पिछले 9 वर्षों से यातायात व्यवस्था में आमूल चूल सुधार कर देश को प्रगति के शिखर पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं देश के दूरदर्शी नेता प्रगतिशील प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके सशक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गति शक्ति जैसी परियोजनाओं के जरिए विभिन्न विभागों के समन्वय से यातायात व्यवस्था को गति दी है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं। पिछले दिनों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने धौला खदिया को जोड़ने वाले सबसे लंबे भूपेन हजोरिका पुल एवं बोगीबिल पुल को असम को समर्पित किया था। इसके अलावा देश भर में हजारों किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और विकास भारत माला के तहत विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विकास के सपने को असम सरकार ने जारी रखते हुए कई और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर सुगम यातायात के लिए कल्याणकारी केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। देश के प्रगतिशील नेता पूर्वोत्तर के विकास के लिए सदैव तत्पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व से ब्रह्मपुत्र पर कई पुलों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच 6 लेन एक्स्ट्रा डोज PSC पुल का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। विकास की धारावाहिकता को जारी रखते हुए देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र पर 4 लेन एक्स्ट्रा डोज PSC पुल का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया है। कामरूप जिले के पोलाखपाड़ी और फ्वालकुसी को जोड़ने वाले इस पुल की लागत लगभग 3,200 करोड़ है। इस परियोजना की कुल लंबाई 12.21 किलोमीटर है। प्रस्तावित इस पुल से गुवाहाटी महानगर और कामरूप जिले के अन्य स्थानों के साथ यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। खड़ाईघाट पुल से गुजरने वाले वाहनों की संख्या में भी कमी आएगी। लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुवाहाटी और उत्तर छोर की ओर यातायात व्यवस्था सुचारू होगी। पूर्वोत्तर के द्वार गुवाहाटी के साथ पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की यातायात व्यवस्था में नए क्षितिज हासिल होंगे। इस पुल से एशिया का मैनचेस्टर कहे जाने वाले ख्वालकुसी के वस्त्र शिल्प को नई जान मिलेगी। केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता में यह पुल महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज इसकी आधारशिला रखी जा रही है।